हे गाइस, दिस इज़ मी खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वाराणसी। वाराणसी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेंपल्स एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द सिटी इज ड्यूरिंग विंटर्स। वाराणसी जा रहे हैं तो सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन करना तो बनता है। तो नंबर वन पर है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट मेन घाट है वाराणसी का। सुबह सनराइज़ के पहले लोग वहाँ आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए और उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं और बहुत से पंडित भी वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं जो आपको पूजा पाठ करा देंगे। और उन मंदिरों में जो सुबह के टाइम भजन कीर्तन चलते रहता है तो एक बहुत ही हॉलिस्टिक सा इन्वायरमेंट रहता है वहाँ का। वहाँ से सनराइज़ का व्यू भी अल्टीमेट है। ऑल्दो व्यू तो आप किसी भी घाट से देख लीजिए एक जैसा ही है, टोटल 84 घाट्स है वाराणसी में, लेकिन दशाश्वमेध घाट के इन्वायरमेंट के वजह से वहाँ की बात ही कुछ और होती है। इसके अलावा इवनिंग में माँ गंगा की जो मेन आरती होती है वो दशाश्वमेध घाट में ही होती है। आरती का समय अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे का है, लेकिन आप ट्राई करें थोड़ा पहले वहाँ पे जाके एक अच्छी सी सीट बुक कर लेने का, ताकि आप वहाँ पूरी आरती अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप लेट जाएंगे तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और फिर आपको पीछे खड़े होकर देखना पड़ सकता है, जिससे व्यू जो है आरती का वो इतना अच्छा ना भी आए। दूसरा ऑप्शन होता है आप एक बोट हायर कर लीजिए और बोट हायर करके आप सामने से माँ गंगा की आरती देख सकते हैं। बोट हायर करने के लिए दो ऑप्शंस है वहाँ पे, एक तो स्पीड बोट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 पड़ती है अगर आप फुल हायर करते हैं, और नहीं तो आप शेयरिंग बेसिस पे भी ले सकते हैं। और दूसरा है मैनुअल बोट जो अराउंड 600 to 700 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। दोनों ही बोट अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 घंटा वहाँ सारे घाटों में घुमा भी देगी और वहाँ से आप माँ गंगा की आरती भी अच्छे से देख पाएंगे। मेरे लिस्ट में नंबर 2 पर है काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर सबसे पुराना मंदिर माना जाता है वाराणसी का, और साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि ये कोतवाल हैं वाराणसी के और बिना इनकी परमिशन के कोई भी वाराणसी में रह नहीं सकता। देवों के देव हैं ये, और अगर इनके दर्शन हो जाए तो ऐसा मान लिया जाता है कि 250 देवी देवताओं के दर्शन कर लिए गए हैं, इसलिए नंबर 2 पर काल भैरव मंदिर। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर में जाने के 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आप नॉर्मल क्यू में लग के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, और दूसरा ट्रस्ट बोर्ड की एक ऑफिस है वहाँ पे जहाँ से आप टिकट कटवा के जा सकते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप नॉर्मली क्यू में लग के जा सकते हैं, पर मेक श्योर आप कैमरा फ़ोन वगैरह एट्सेट्रा होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर ये सब ले जाना अलाउड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ट्रस्ट बोर्ड में टिकट कटवा के जाने का। टिकट का प्राइस है 300 पर हेड और चिल्ड्रंस आर फ्री। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? उसमें नंबर 1 पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके जितने भी बिलोंगिंग्स है, कैमरा फ़ोन एंड एट्सेट्रा, बैग, आपको वहाँ पे एक लॉकर ग्रांट किया जाएगा जिसमें आप रख सकते हैं, जिसका की आपके पास रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको एक वहाँ से पंडित जी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको मंदिर के अंदर ले जा के दर्शन करवा देंगे। और नंबर 3 पर कि आपको नॉर्मल क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, वो पंडित जी आपको डायरेक्टली मंदिर के अंदर ले जा के दर्शन करा देंगे। तो अगर आपके पास समय कम है तो बेटर ऑप्शन है कि आप ट्रस्ट बोर्ड के ऑफिस से टिकट कटवा लें। और नंबर 4 पर जो बेनिफिट मिलेगा वो है प्रसाद का। वहाँ पे आपको एक प्रसाद का पैकेट दिया जाएगा जिसमें नॉर्मली 4 लड्डू रहते हैं, वो प्रसाद एकदम अल्टीमेट है। तो अगर आप ट्रस्ट बोर्ड की टिकट नहीं भी कटवा रहे हैं, आप नॉर्मल क्यू में भी लग के जा रहे हैं, स्टिल आई सजेस्ट कि आप प्रसाद अगर ले रहे हैं तो आप वहीं से लीजिए, ठीक है। 4 लड्डू के अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ प्राइस रहता है उसका, और डिपेंडिंग ऑन आपको अलग अलग साइज़ के पैकेट मिलते हैं, आप जो एक पैकेट लेना चाहें आप ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, वो लड्डू बहुत ड्राई होता है तो आप वापस घर भी लेके आ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स लोग को दे भी सकते हैं प्रसाद के तौर पर। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं तो ट्रस्ट बोर्ड के ऑफिस से प्रसाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 4 पर मेरी लिस्ट में है 80 घाट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दशाश्वमेध घाट से भी आप सनराइज़ देख सकते हैं, या फिर कोई भी घाट से आउट ऑफ
84 एनी ऑफ द घाट से भी आप सनराइज़ देख सकते हैं, इक्वली ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन उस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बोट हायर कर लीजिए, स्पीड बोट हायर कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 सुबह चार्ज करते हैं वो आपसे, तो वो आपको दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक ले जाएंगे। तो उस बीच में जितने भी घाट हैं आप वो सारे भी देख पाएंगे और साथ में आप 80 घाट पर भी पहुँच जाएंगे। आप 80 घाट थोड़ा पहले चले जाइए क्योंकि वहाँ की जो आरती होती है सुबह की वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मतलब बहुत पीसफुल लगता है वो आरती देखना। हालांकि दशाश्वमेध घाट में भी होती है, लेकिन जैसे इवनिंग वाली आरती दशाश्वमेध घाट की बहुत फेमस है, होने को अहिल्याबाई घाट में भी होती है सेम आरती, लेकिन दशाश्वमेध घाट की आरती ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे ही मॉर्निंग में 80 घाट की आरती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप 80 घाट की मॉर्निंग की आरती देख लीजिए। उसके बाद आप वहाँ से सनराइज़ का भी व्यू ले लीजिए। उसके बाद वहाँ पर योगा होता है सुबह 7 बजे से, तो योगा क्लास में काफ़ी लोग आते हैं, अराउंड 50 to 70 पीपल तो हर दिन ही मौजूद रहते हैं, तो आप योग भी कर सकते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, आप नहीं भी कर रहे हैं आप बैठ के लोगों को भी देखेंगे वहाँ पे योगा करते हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। और जब आप वहाँ से निकले तो आई सजेस्ट काशी कैफ़े की कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा, 80 घाट के एकदम पास में ही है, आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा काशी कैफ़े। वहाँ की कॉफ़ी और चाय दोनों ही बहुत अल्टीमेट होती है, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ की। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करने की सोच रहे हैं तो अगेन आई हैव अ ऑप्शन फॉर यू, लक्ष्मी टी स्टॉल बहुत फेमस है वाराणसी में। वहाँ की जो मलाई टोस्ट होती है या फिर वाइट बटर टोस्ट होती है वो बहुत ही फेमस है, और चाय भी बहुत अल्टीमेट है। तो अगर आप वाराणसी में हैं तो एक दिन इस तरह से ज़रूर शेड्यूल प्लान कीजिएगा। नंबर 5 में मेरी लिस्ट में है रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पे फोर्ट पे पर्टिकुलर उस फोर्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक यहाँ पर है, आप चाहें तो जाके ज़रूर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो रामनगर फोर्ट भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको बहुत सी एंशियंट चीज़ें वहाँ के उस समय के राजा के काशी नरेश की प्रिजर्व की हुई चीज़ें, वस्तुएँ, कपड़े, गहने वगैरह, तलवार, गन, ये सब वहाँ पे देखने मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करें। नंबर 6 पर मेरे लिस्ट में है संकट मोचन बालाजी मंदिर। बहुत ही पीसफुल है एनवायरनमेंट वहाँ का और अच्छा लगता है वो मंदिर में जाके, तो अगर पॉसिबल हो तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। वहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो ये है कि वहाँ पे जो पार्क एरिया है वहाँ पे 3 मंकी बनाए हुए हैं, एक मंकी फ़ोन पे बात कर रहा है, एक मंकी ने मास्क पहन रखे हैं, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बालाजी भक्त हैं तो आप ज़रूर उस मंदिर में जाके एक बार दर्शन करके आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 7 पर मेरी लिस्ट में है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स का तो सपना होता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर विजिट करें। और वहाँ पर विश्वनाथ टेंपल जो कि पॉपुलरली नोन एज VT के नाम से है, वो मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करके आएँ। 8 पर है मेरी लिस्ट में मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट इज़ कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट क्रिमेशन ग्राउंड। बूढ़े बुजुर्ग लोग हिंदू धर्म के चाहते हैं कि लास्ट के समय में वो बनारस आके रहें ताकि उनकी अस्थियां यहीं पे प्रवाहित हो और उनका क्रिमेशन भी यहाँ मणिकर्णिका घाट में हो, क्योंकि मणिकर्णिका घाट में अगर क्रिमेशन होता है तो ऐसा मानना है लोगों का कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है। कहते हैं यहाँ पर अग्नि 24 आवर्स चलती रहती है और कभी भी बुझती नहीं है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, यह अग्नि 24 आवर्स जलती रहती है। नंबर 9 पर मेरी लिस्ट में है जो एक तरफ गंगा के एक तरफ तो सारे घाट है, जो ऑपोजिट तरफ है वहाँ पर एक नया अभी डेवलपमेंट हो रहा है, उस जगह को क्या बोलते हैं एक्चुअली आई डोंट नो, पर वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है। वहाँ पे सैंड सब जगह बिछाई हुई है और वहाँ पे कैमल राइड भी होती है, हॉर्स राइड भी होती है, और वहाँ जाके बैठ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको सामने से सारे घाट देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक लाइन से आपको सारे घाट सामने दिखाई देंगे और सामने जो इतना कुछ हो रहा है उन घाटों में वो आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। साथ में वहाँ सैंड जैसा लग कर दिया है तो एक बीच जैसी फीलिंग भी आती है,
इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको आप जो दाने वाने हैं वो वहाँ खिला सकते हैं, वहाँ लोग मिलते हैं बेचने वाले, तो उनसे आप खरीद के वो सब भी उनको खिला सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और सबसे अच्छी बात उसकी वही है कि वहाँ बैठ के सामने से सारे घाट को देखना, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, सबको सामने से देखना, वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप अपोजिट तरफ के लिए बोट हायर करके ज़रूर जाएं। 300 अप्रॉक्सीमेटली चार्जेस लेते हैं, वो लेके भी जाएंगे, आपको लेके भी आएंगे, और आप अराउंड हाफ एन आवर टू वन आवर वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पर मेरे लिस्ट में है बनारस का मार्केट। जब आप दशाश्वमेध घाट में जाते हैं तो उसके पहले अराउंड 1 किलोमीटर पहले से ही वहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही हैपनिंग मार्केट है, दोनों तरफ दुकानें रहती है, फुटपाथ पे भी बहुत से लोग हैं जो सामान बिक्री करते रहते हैं। वहाँ बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है, दुपट्टे बनारस के बहुत फेमस हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी लेना है, आप नॉर्मल एक विंडो शॉपिंग कीजिए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, इतना क्राउड रहता है वहाँ पे। हम लोग गए थे लॉकडाउन के बाद, तो भी वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, उस समय कोरोना इफेक्ट था, फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड था और इतना हैपनिंग लगता था वहाँ पे। बहुत सारे चाट भंडार भी है, दीना चाट भंडार, काशी चाट भंडार जो बहुत फेमस है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप मार्केट ज़रूर वहाँ का विज़िट करें और इन चाट भंडार में ज़रूर कुछ ना कुछ खाएँ। स्पेशली वहाँ के टमाटर चाट, जो मैंने सिर्फ वहीं पे सुना था, उसके अलावा नहीं सुना कि टमाटर चाट भी कुछ होता है क्या, लेकिन वहाँ का मैंने टमाटर चाट खाया था एंड दैट वॉज सो वेरी अमेजिंग। सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग अ विजिट, एक मैंने आपको जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया है कि आप वाराणसी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा सरनाथ इज़ द बेस्ट प्लेस, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर्स है वाराणसी से। वहाँ जाने के लिए आप ऑटो या टोटो कुछ भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। आपको जाने में अराउंड हाफ एन आवर लगेंगे, वहाँ पर आप घूम घुमा के वापस आ सकते हैं। 3-4 घंटा आप समझ लीजिए वहाँ पे पूरा घूमने का। तो आप सरनाथ जरूर जाइएगा। सरनाथ पर मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ सरनाथ जाने की। वाराणसी में अगर आप रह रहे हैं तो कुछ और मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहूँगी कि आप ट्राई करें दशाश्वमेध घाट के पास ही किसी होटल बुक करने, लेकिन आप एकदम घाट के पास मत बुक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना दिन के टाइम में कुछ भी व्हीकल अलाउड नहीं रहती है, नॉट इवन रिक्शा टोटो, सिर्फ टू व्हीलर्स अलाउ होता है। तो आप तो घूमने के हिसाब से जा रहे हैं, वहाँ पे आपको टू व्हीलर तो अवेलेबल मिलेगा नहीं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा अगर आपको कहीं पर भी और जाना है। नो डाउट दशाश्वमेध घाट जाना बहुत ईजी हो जाएगा, पर बाकी जगह जाने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप दशाश्वमेध घाट से अराउंड 1 किलोमीटर के दूर पे, जहाँ पे नो एंट्री नहीं रहता, वहाँ कहीं पे आप होटल बुक करके ज़रूर रुके। एंड अगर आप वाराणसी का प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम 2 दिन का तो आप डेफिनेटली प्लान करें। थैंक यू।